अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इशर कादरी। और आज तजारती सियासत के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है कि फाउंडर ग्रुप में लाहौर सेविंग इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने शमूलियत इख्तियार की। एक बहुत बड़ी तादाद थी मेंबर्स की, उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और फाउंडर ग्रुप के हमरा ताजरों के मसाइल के हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर सेविंग इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सरपरस्ती आला पैट्रन इन चीफ काशिफ ज़िया साहब, उनसे बात करेंगे। अच्छा काशिफ साहब, ये बताएगा कि फाउंडर ग्रुप एक नई रवायत कायम की है, आए आपके पास, आपने शमूलियत इख्तियार की और बरवक्त मसाइल हल किए, क्या देखते हैं माजी में आपने इस तरह का मामला देखे थे और क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल क्या होगा आपका? हम लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं ये इस एफर्ट को, क्योंकि इससे पहले चैम्बर की मेंबरशिप काफ़ी सालों से हमारे दोस्त अवेल कर रहे थे, लेकिन इससे पहले चैम्बर सिर्फ एक लीड क्लास के लिए था, एक कॉरपोरेट सेक्टर के लिए था। लेकिन अभी ये चेंज हो रहा है कि जो मीडियम लेवल की या स्मॉल लेवल के एंटरप्राइजेज, बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, अब ये उनको भी एंटरटेन कर रहे हैं, उनके भी मसाइल समझने की कोशिश हैं। और इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो ना हो, कम से कम ये एहसास आ रहा है हम लोगों में कि हमारा भी कुछ हिस्सा है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में या इस इंडस्ट्री में, इस बिज़नेस में हमारा भी कुछ शेयर है। यानी कि मार्केट अनडिस्कवर्ड थी, अब डिस्कवर हुई बकायदा। इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, ना इनकी राय की, ना इनकी प्रॉब्लम्स की, क्योंकि पहले, इससे पहले जब चैम्बर्स के इलेक्शंस वगैरह भी होते थे तो वही जो 8-10 खानदान थे उन्हीं में आपस में बढ़ जाती थी, पोजिशंस बढ़ती अभी भी उन्हीं में, लेकिन समहाओ अब आम लोगों के पास वो आ रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं, यही बहुत अप्रिशिएटेड है। और ये एक स्टार्ट होता है, वक्त के साथ साथ ये और ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगा जी। बिल्कुल काशिफ साहब, काशिफ ज़िया साहब जो हैं वो पूरी उम्मीद है कि जिस तरह मसाइल हल किए गए आज, इस तरह मुस्तकबिल में भी मसाइल हल किए जाते रहेंगे। और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फाउंडर ग्रुप का इन्होंने भरपूर साथ देने का ऐलान किया है।